आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व ये षष्ठी माता छठ माता का व्रत है। कार्तिक मास की अमावस्या दीपावली के बाद मनाया जाता है ये व्रत। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी होती है, इस कारण इसका नाम छठ पड़ा। छठ वर्ष में दो बार आता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। छठ मैया का जो व्रत है, मार्कंडेय पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत इत्यादि ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बा ही छठ महारानी है और ये बच्चों की रक्षा करती हैं, प्रकृति की रक्षा करती हैं, जीवन में धन धान और सुख प्रदान करती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की उपासना पूजा आराधना की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका जीवन सफल और दीर्घायु वाला होता है। पुराणों में इन्हीं देवी को कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी नवरात्र की षष्ठी तिथि को भी पूजा की जाती है। छठ व्रत की परंपरा सनातन धर्म में चली आ रही है। इसकी कथा इस प्रकार है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, जिन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पूजा छठ महारानी की नहीं की तो शिशु की आंखें ही पलट गईं, वो मृत हो गया। इस समाचार से पूरे नगर में शोक हो गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि जब राजा प्रियव्रत अपने बच्चे को लेकर श्मशान जाते हैं तो वहां विलाप करते हैं आकाश की ओर देखकर, तो उसी समय आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरता हुआ दिखाई पड़ा। उसमें देवी बैठी थी और देवी जब नीचे आई तो बोली, मैं खष्टी हूँ और विश्व के रक्षा के लिए तत्पर रहती हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर का स्पर्श किया, जिससे वो बालक जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्यौहार मनाने की घोषणा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य वेद माता गायत्री का जन्म भी हुआ था। प्रकृति के खष्ट छठे अंश से उत्पन्न षष्ठी माता बालकों की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु की महामाया है। बालक के छठे दिन इनकी उपासना की जाती है, जिससे बच्चे के ग्रह गोचर शांत होते हैं, जिंदगी में कष्ट नहीं होता है। इस तिथि को छठ महारानी का महापर्व मनाया जाता है। और एक कथा के अनुसार पांडव अपना राज्य जब जुआ में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ महारानी का व्रत किया था। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी, पांडवों को राज्य भी वापस मिला था। इसके अतिरिक्त रामायण काल में भी छठ महारानी का वर्णन मिलता है। इनकी उपासना आराधना करने से जीवन धन धान्य और सुख से भर जाता है। हर किसी को ये महापर्व अवश्य ही मनाना चाहिए और इससे जीवन में सुख समृद्धि धन वृद्धि इत्यादि रहता है, जिससे जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। इस दिन अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए और सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आप सभी को एक बार फिर से षष्ठी महारानी के महापर्व छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सूर्य की भांति ही सभी प्रकार के धन धान्य और आपके जीवन में यश वृद्धि होती रहे। नमस्कार।